फाइनली OnePlus Nord 3 इंडिया में लॉन्च होने वाला है और हमारे सामने इसकी स्पेसिफिकेशन और डेट्स भी निकल के आ चुकी है और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितना खास ये फोन होने वाला है आप लोग के लिए। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। तो फोन काफी ही शानदार दिख रहा है, काफी स्लीक है। बैक साइड में आपको ड्यूल LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है और जो स्मार्टफोन है वो पूरा ही बॉक्सी दिखाई देता है। फ्रंट में आपको यहाँ पर 6.74 इंच की आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस 1450 nits देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कैमरे सेटअप की दोस्तों, तो फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है और बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जहां पर सबसे पहला कैमरा जो है वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा विद OIS और यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिलेगा। साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि चाइना वेरिएंट से इंडिया में आपको यहाँ पर अपग्रेड वर्जन देखने को मिलेगा। चिपसेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 9000 देखने को मिल जाएगा, जो कि 4nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और यहाँ पर आपको 5G सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही में बात करें यहाँ पे रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 256GB साथ में 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाता है। वहीं आपको यहाँ पर 8GB, 12GB और 16GB का वेरियंट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको LPDDR5X का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात की जाए दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 13 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स और यहाँ पर आपको कस्टम UI ऑक्सीजन OS देखने को मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे मेमोरी टाइप की, तो यहाँ पर आपको UFS 3.1 देखने को मिलेगा। साथ ही में ये स्मार्टफोन ड्यूल सिम के साथ में आएगा, जहाँ पर आप नैनो सिम का सपोर्ट देख पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पावरफुल 5000 mAh की फुल बैटरी देखने को मिलेगी। साथ ही में यहाँ पर आपको 80W की सुपर वोक चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अदर फीचर्स की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, साथ में आपको ब्लूटूथ 5.3, USB टाइप सी पोर्ट और साथ में यहाँ पर आपको स्टोरेज डिवाइस भी देखने को मिलेगी, मास और USB चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर भी कार्ड स्लॉट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको कोई भी ऑडियो जैक भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ये होगा ड्यूल स्पीकर के साथ में लॉन्च और यहाँ पर आपको NFC चिपसेट का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर आपको इंफ्रारेड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे सारे सेंसर्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सारे ही सेंसर्स एक्टिवेटेड मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे डायमेंशंस की और बिल्ड की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास बैक पैनल देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर हम बात करें थिकनेस की, तो 8.1 mm की आपको थिकनेस देखने को मिलेगी और इसका जो लगभग वेट आएगा वो कम से कम 191.5 grams तक का देखने को मिल सकता है। सो हाल फिलहाल हमारे सामने ये सारी स्पेसिफिकेशंस लीक होकर आ चुकी है दोस्तों, और बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस की और डेट लॉन्च की। सो गाइस मान के चलिए 33,000 से लेकर कम से कम 35,000 के बीच में आएगी, जहां पर आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह होकर आपको ये चीप प्राइस में पड़ सकता है। साथ ही में बात करें यहाँ पे लॉन्चिंग डेट की दोस्तों, तो 70% ये माना जा रहा है कि जुलाई के मिड में कभी भी लॉन्च हो सकता है, बाकी आने वाले टाइम पे हमें पता लग जाएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही में बने रहे मेरे वीडियो के साथ और चैनल के साथ। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.